हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन हो चुकी है, अभी आप लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। और आज हम लोग आपको कैट 2019 स्लॉट 1 का क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए हैं उनको बता दूँ कि हमारा चैनल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हम लोग टफ से टफ क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हैं, ठीक है। और हमने अभी तक कैट, जेड, आईएफटी, सीमैट, आईपीमैट के प्रीवियस ईयर क्वांट के पूरे सॉल्यूशंस लेके रखे हुए हैं और एलआरडीआई के भी कैट के 2017, 18 और 19 के पूरे सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा इजी सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना। और अगर आपको हमारे चैनल में जितने भी वीडियोज़ हैं, अप्रॉक्सीमेटली 210 वीडियोज़ हैं, अगर उनकी आपको पूरी लिंक चाहिए ताकि आपको हमारे चैनल पर ढूंढना ना पड़े, तो आप स्पेलिंग पे ध्यान देना, CREATORS क्रिएटर्स 2206 @gmail.com पे हमें एक मेल कर दीजिए जिसमें आपका नेम मेंशन होना चाहिए, एज मेंशन होनी चाहिए, है ना, सिटी मेंशन होनी चाहिए, देन स्कूल एंड कॉलेज, नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, है ना। ये डिटेल्स आप हमें भेजिए तो हम आपको PDF सेंड करेंगे जिसमें पूरे के पूरे अप्रॉक्सीमेटली 210 वीडियोस की लिंक है, उनकी पूरी लिंक। तो आपको बस कोई भी वीडियो देखना हो उसके आगे वो कौन से एग्ज़ाम का है, कौन से ईयर का है, देन उस वीडियो की ड्यूरेशन कितनी है और उसके आगे उसकी लिंक दी हुई है, तो आप बस क्लिक करोगे वो वीडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। और हाँ, अगर अभी तक आपने कैट 300 परचेस नहीं किया है तो अभी भी कुछ दिन बचे हैं, वो आपके लिए परफेक्ट रिवीजन साबित होगा। और आपके रिवीजन के बाद अच्छे से अगर आपने वो वीडियो देखे तो डेफिनेटली आपके इंक्रीज होंगे परसेंटाइल, ठीक है। तो इस वीडियो के आखिरी में आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, या डिस्क्रिप्शन पे आपको देखना हो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो अभी तक परचेस नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ठीक है। तो चलो, अब आज के दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 और 31, इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। AB's डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5, देखो कोई भी एक सर्कल बना लो, स्पीड में करना चाहिए। ए भी एक डायमीटर बना लिया, ये रहा ए, ये रहा बी, है ना। रेडियस क्या, 5, मतलब डायमीटर क्या हो जाएगा, 10। लेट पी एंड क्यू टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, दो पॉइंट बना लेते हैं, एक बोल देते हैं पी, एक बोल देते हैं क्यू, कहीं भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथ ऑफ पी बी इज 6, पी बी की लेंथ बोल रहे हैं 6। अच्छा ध्यान देना, ए और पी को अगर मैं मिला दूँ तो ये हमें पता है डायमीटर से जो भी ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो मतलब ए बी अगर 10 है, पी बी 6 है, तो 6 8 और 10 होता है, ए पी क्या हो जाएगा, 8, है ना। डायमेंशन ऐसा मत देखना कि 6 हमारा बड़ा दिख रहा है, ए पी छोटा दिख रहा है, क्योंकि हमने रैंडम लिए थे। ए पी की क्या लेंथ हो जाएगी, 8, सीधे सीधे लिख सकते हैं। आगे पढ़ो, द लेंथ ऑफ ए पी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए क्यू, मतलब ए क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी, अब मैं ए क्यू बनाऊं तो ए क्यू क्या हो जाएगा, 4, ए क्यू क्या हो जाएगा, 4। क्या पूछा है, क्यू बी मिला दो, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, रेड रेड जो मैंने बनाया, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या होता है, 100 माइनस 16, 84 का रूट, रूट 84 9.1 समथिंग होगा, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखो कितना आसान था, इतनी जल्दी जल्दी किया करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31, अ पर्सन इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ रुपीज 15 लाख, 15 लाख इन्वेस्ट कर रहा है वो, अ पार्ट ऑफ विच इज इन्वेस्टेड इन अ फिक्स डिपॉजिट 6% एनुअल इंटरेस्ट रेट। आजकल 6% भी कहाँ देते हैं FD में, एक साल में तो बिल्कुल नहीं देते। ये सब आपको पता होना चाहिए PI VI के लिए, है ना, तो ये रेट वेट थोड़ा देख लिया करो, ठीक हो। तो एक्स अमाउंट मान लेते हैं ये FD में डाल रहा है ना, 1 ईयर के, इसका रेट क्या 6%, बचा अमाउंट क्या 15 माइनस एक्स, है ना। अब ये इसमें तो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है 2:1, यानी एक हो जाएगा 15 माइनस एक्स का 2/3 और एक हो जाएगा 15 माइनस एक्स का 1/3, ठीक। इसको 4% पे तो इंटू 4/100 और इसको 3% पे तो 3/100 कर दो, और ये एक्स था, एक्स इंटू क्या कर दो, 6/100, ठीक। द टोटल एनुअल इंटरेस्ट, टोटल एनुअल जो इंटरेस्ट है ये इसको 76,000 मिला। अच्छा लाख लाख में बात हो रही है तो इसको लाख में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 0.76 लाख, ठीक। तो इन तीनों का जो एडिशन होगा, यानी 6x/100 + 4 = 8
इंटू 15 माइनस एक्स बाय 300 प्लस 3 से ये 3 कैंसिल मत करो क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 रहने देते, तो 3 इंटू 15 माइनस एक्स बाय 300 इज इक्वल टू 0.76। सॉल्व कर लेते हैं, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 300, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 18 एक्स प्लस 15 माइनस एक्स कॉमन आ गया तो 8 प्लस 3 11, तो 11 इंटू 15 165 माइनस 11x, ये है 0.76 के। सॉल्व कर लेते हैं तो 18 माइनस 11 7x इज इक्वल टू 76 इंटू 3 कर दो 228 आ जाएगा माइनस 165, तो 7x इज इक्वल टू क्या आ गया 63, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया 9, ठीक। और शायद x की ही वैल्यू पूछी थी, क्या पूछा, देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट, जो हमने x एज्यूम किया था, तो ये क्या है 9 लाख रुपीज इसने इन्वेस्ट किए थे एफडी में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो इतने ही आसान क्वेश्चन कैट में आते हैं, तो है ना, जो आपसे उम्मीद है कि आसानी से बन जाया करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहे हैं, और अगर आप हमारे चैनल को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, इतने सारे वीडियोस देख रहे हो, वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कम से कम आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, है ना, इतनी ज़्यादा मेहनत तो लगेगी नहीं उसमें, तो ये आप किया करो, है ना, हमें भी मोटिवेशन मिलता है उससे। और हाँ, कैट 300 परचेस करना हो तो स्क्रीन पर उसकी डिटेल्स आपको दिख रही होंगी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।